नमस्कार, देवभूमि क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। बारिश से हुए जल भराव के कारण घर में घुसा पानी, 12 साल की बच्ची आई चपेट में, हुई मौत। प्रशासन पहुंचा मौके पर, पीड़ित परिवार को दी 4 लाख की राहत राशि। डोईवाला के शेरगढ़ माजरी गांव में उस समय एक बड़ा हादसा हो गया जब बारिश का पानी सैलाब की तरह घर की दीवार को तोड़ता हुआ घर में घुस गया। घर में घुसे पानी से परिवार में हड़कंप मच गया और देखते देखते पानी घर में भर गया। घर में घुसे पानी की चपेट में 12 साल की आकांक्षा आ गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही डोईवाला के विधायक और SDM शैलेंद्र सिंह नेगी कोतवाली पुलिस के साथ तमाम लोग घटना स्थल पर पहुंचे। घटना दुखद थी तो लोगों ने नेशनल हाईवे के प्रति नाराजगी जताते हुए तहसील प्रशासन से NHAI के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विधायक ने तत्काल प्रशासन को मदद के निर्देश दिए। इसके बाद तहसील प्रशासन ने पीड़ित परिवार को 4 लाख की तत्काल आर्थिक राहत राशि का चेक देकर मदद की। घटना से गुस्साए लोगों ने कहा कि नेशनल हाईवे के द्वारा पानी की उचित निकासी न करने के कारण यह दुखद हादसा हुआ है। इसकी जांच कर नेशनल हाईवे के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। ये भैया 10 बजे के टाइम पे हुआ था, दीवार टूट गई थी, पानी सारा अंदर आ गया था। पानी एकदम से अंदर आ गया। तो 12 साल। 12 साल तो आपकी तरफ से घुमा दी जाएगी, जो NH पे है उसका मुकदमा किया जाएगा। जी हाँ, कई बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। फिर यहाँ पे आए हैं तो जो हमारा यहाँ पर जहाँ पानी का निकासी का जो रास्ता ब्लॉक हो गया है उसको दिखवा रहे हैं, उसको खुलवा रहे हैं। और जो पानी का जो रास्ता हमारा पहली करना था, जहाँ से पानी जाता था, जो नाला है ये लगभग ऊपर से आ रहा है 3 किलोमीटर का, तो जहाँ जहाँ ये ब्लॉकेज है, जहाँ जहाँ ये इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, काफ़ी देखने को मिला है, तो उसको खुला करके उसको पूरा जो परंपरागत रास्ता है वो खुल जाए। और उसको जो है कि अभी हम रेन वाटर जो यहाँ पर खुदवा करके फेरा खुदवा करके कर रहे हैं जो है, और सर्विस शुरू कर दी है अभी। जैसे यहाँ पे क्योंकि अब आबादी यहाँ पर काफ़ी बढ़ गई है, अब इसलिए जब NH का बना हुआ उस समय इतना आबादी, लेकिन अब काफ़ी घर यहाँ पर बन गए, तो यहाँ पर एक सर्विस रोड का भी है, यहाँ पर एक कट का भी हमारा चेंज होना चाहिए, और फुट ओवर ब्रिज का भी जिससे आने जाने लोगों के लिए, हाँ फुट ओवर ब्रिज जो है जिसे कहते हैं उसको भी बनाने के लिए हमने कह दिया है, तो इसका भी करेंगे। हाँ, जिस क्षेत्र में जैसे लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं था, इधर पूरा अंधेरा भी लगभग 1.25 किलोमीटर के बड़ा अंधेरा है और आबादी बहुत हो गई है, तो आबादी के हिसाब से जो है यहाँ पर भी लाइट के लिए हमने नहीं कह दिया है। और सबसे बड़ा फर्स्ट ट्रीटमेंट हमारा है कि हमको इन दो घरें, इन दो घरों की सुरक्षा हमको करना है, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, पानी का खतरा है, तो सबसे पहले हमको निकासी के लिए रास्ता बनाना है, इन दो घरों की सुरक्षा भी करनी है जिससे किसी को जान माल का नुकसान हो। बहुत दुखद घटना है, बेटी चली गई है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत दुखद है, और सरकार उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ है, हमसे सरकार से जो भी हम सहयोग कर सकते हैं उस परिवार के लिए हम लोग करेंगे, कहीं जो सरकार उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा यह है कि बच्ची का जाना हम सबको बहुत कष्टदायक है, बहुत दुखद है, लेकिन जब आज पता चला हम सब लोग आए अधिकारी को लेकर आए और प्रशासन को भी कहेंगे कि कहीं भी कोई आगे कोई कोई है गलती ना हो, कोई लापरवाही ना हो, और जिम्मेवारी जिसकी जिस विभाग की कोई इमरजेंसी लापरवाही करता है जिसके कारण जो हुआ है उसका प्रोग्राम जाँच करवा रहे हैं। तो सुबह ही सूचना मिली, जबकि ये घटना रात हो गई थी, उन्होंने सूचना नहीं दी और स्थानीय लोगों को भी शायद पता नहीं चला, परिवार के लोग ही जो है अपना बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल चले गए थे और बताया गया कि अस्पताल में जो है मृत घोषित हो गई है। तो यहाँ पर जो एक नेशनल हाईवे का जो और खेतों का जो पानी है वो उनके यहाँ दीवार तोड़ के घुसा और जिसके कारण कि ये घटना हुई। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो घर बना हुआ है जहाँ ये घटना घटी वो खुद बहुत डाउन में है, ऐसी जगह जो लोग भी अपना घर बना रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ध्यान रहे इन जगहों को चयन करने से पहले कि कैसी वारदातें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें नहीं होती तो शायद वो, क्योंकि पानी तो भाई गहरे में ही जाएगा और खेतों का पानी का जहाँ मुख होगा वहीं जाएगा,
इस तरीके की स्थिति। अब क्या राहत दी जा रही है? अभी हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो जो बच्ची एक्सपायर हुई है उसका पीएम करा के हम उनको तुरंत राहत जो है आपदा के अंतर्गत वो दिला रहे हैं। दूसरा उनका जो सामान और बिस्तर है, कपड़े हैं, बर्तन है, राशन है, उसका भी अहेतुक राशि में आपदा में दिला रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पर जो नाली NH की बंद हो गई थी और कुछ खुली तो थी लेकिन उतनी चौड़ी नहीं थी, तो उसको प्रॉपर चौड़ाई में हम कर रहे हैं क्योंकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। कंस्ट्रक्शन होता है वो डिजाइन बेस पे है, सेफ्टी और पब्लिक की सेफ्टी को ध्यान में रख के ही कोई भी कार्य होता है। यहाँ भी क्या है कि जैसा विधायक जी ने बताया, अभी 3-4 किलोमीटर ऊपर से पानी का फ्लो जो है वो इधर आ गया नीचे रोड की तरफ, और कुछ अतिक्रमण भी है ऐसा अभी चिन्हित कराया गया है, तो उसको हम डिमोलिश कर रहे हैं इमीडिएट। अभी हमने JCB मंगाया हुआ है और जो त्वरित कार्रवाई करने के लिए बोला है विधायक जी ने उस पर हम काम कर रहे हैं। पानी की निकासी है? पानी का निकासी तो है, बट क्या है कि लोगों ने जगह जगह अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी वजह से आगे हमारा ROW एक फिक्स है, उसके आइदर साइड मतलब उसके बाहर में अतिक्रमण है। लेकिन अभी विधायक जी ने हमें आदेश दिया है कि जो ROW के बाहर भी है उसका भी हम ड्रेन बना देंगे कच्चा अभी फिलहाल तुरंत, और पानी जिससे कि कहीं रुके ना और किसी भी तरह का किसी को भी कोई नुकसान ना।